ये बस खलाही हो गई। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं नूर माहिर, उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और कारोबार दिन का आगाज़ जो है वो बहुत अच्छे तरीके से कर इख्तिताम, बेसिकली स्टॉक मार्केट के हवाले से कहना चाहिए, इख्तिताम बहुत अच्छे तरीके से कर चुके होंगे। और आज अगेन एक नई वीडियो के साथ आपके साथ हाज़िर हूँ। कोशिश करेंगे कि आज हम स्टॉक मार्केट का अहाता कर सकें, क्योंकि पिछले दो दिनों की जो एक्टिविटी थी उसका ओवरऑल मार्केट ने क्या इम्पैक्ट लिया और आने वाले दिनों के अंदर हम मार्केट से क्या एक्सपेक्ट करते हैं। उसकी वजह यह है कि काफ़ी सारे दोस्त जो हैं वो पैनिक डिसीजंस ले रहे हैं, मार्केट निकल गई, मार्केट ने मार दिया, मार्केट भाग रही है, मार्केट भाग जाएगी। तो एज़ पर माई ओपिनियन जो है वो कोई इतना पैनिक होने की ज़रूरत है नहीं। मार्केट जो हैं वो पूरी दुनिया के अंदर चलती हैं और उसके बाद आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती हैं, और उस अपॉर्चुनिटी को कैश करना जो है बेसिकली वही सबसे जो मेजर आप कह रहे हैं अचीवमेंट होती है कि आपने उस अपॉर्चुनिटी को अचीव कैसे किया और उस अपॉर्चुनिटी को कैश कैसे किया, उसको यूटिलाइज कैसे किया, यही सबसे बड़ी चीज़ जो है आपकी मार्केट के अंदर काउंट होती है, क्योंकि उसी से आपके प्रॉफिट्स आपके लॉसेस कैलकुलेट होते हैं। आज हमने देखा कि ओवरऑल मार्केट में एक इंट्राडे बेसिस पे डिप ली और उसके बाद मार्केट में वापस रिकवरी देखने को मिली। तो एज पर माई पर्सनल परसेप्शन मार्केट के अंदर इस वक्त जो करंट सिनेरियो है या जो करंट सिचुएशन है, अगर इस सिचुएशन को देखा जाए तो इसमें मार्केट आने वाले दिनों के अंदर अच्छा परफॉर्म करती हुई नज़र आ रही है। मार्केट में कोई पैनिक होने वाली सिचुएशन एज सच मुझे नज़र नहीं आ रही कि जिसकी वजह से बंदा परेशान हो के यार अब मुझे क्या करना चाहिए। तो इन माई पर्सनल परसेप्शन मार्केट जो है वो आने वाले दिनों के अंदर एक अच्छा रिटर्न जो है वो हमें देगी, और जिसके अंदर जिसको कैश करके आने वाले दिनों के अंदर जो है वो एक अच्छा गेन अचीव किया जा सकता है। बेसिकली मैं साथ ही साथ कमेंट सेक्शन को ऑन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि कमेंट सेक्शन मेरे पास खुल गया ताकि जो आप लोगों के लाइव क्वेश्चंस और आंसर्स आने हैं हम उनके ऊपर डिस्कस कर सकें। तो आज इंडेक्स जो है वो 46,407 के रीजन के अंदर क्लोज हुआ है और 260 से 262 पॉइंट्स का इजाफा मार्केट के अंदर देखा गया। तो आने वाले दिनों के अंदर क्या होगा इसके हवाले से हम डिस्कस करेंगे, टेक्निकल्स क्या दिखा रहे हैं उसके ऊपर डिस्कशन होगी, और उसके साथ साथ हम कोशिश करेंगे कि हम इस चीज़ का भी अहाता कर सकें कि स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। तो एज़ पर माई पर्सनल परसेप्शन मार्केट में जो मेजर सपोर्टिव रीजन है वो मार्केट के पास नीचे मौजूद है स्टिल, 45,700 से लेके 45,500 के रीजन के अंदर जो है वो मेजर सपोर्टिव रीजन मौजूद है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर मार्केट स्टेबल रहेगी, तब वक्त ये कि मार्केट जो है वो अब मेरे वो कमेंट सेक्शन सामने आ गया, अब मैं इसकी आवाज़ बंद कर लूँ, मोबाइल पे आवाज़ कैसे बंद करते हैं ये तो पहले सोच में चले हो। ओके, सो नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो आर्ली चार्ट के ऊपर अगर आप 100 इंडेक्स को देखते हैं तो 100 इंडेक्स ने आर्ली चार्ट के ऊपर अपनी जो प्रीवियस रेजिस्टेंट ट्रेंड लाइन थी उसको एज अ सपोर्टिव ट्रेंड लाइन जो है वो कंसिडर किया, और उसके बाद प्राइसेज जो है उन्होंने अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर दिया। सो आप लोगों के पास वीडियो क्लियर आ रही होगी, अगर वीडियो स्ट्रीमिंग के अंदर कोई इशू आया तो मुझे प्लीज़ बता दीजिएगा कमेंट्स के अंदर ताकि मैं उस वक्त उसका कोई सदबाव कर सकूं। तो अब अगर हम देखते हैं तो आज के दिन के अंदर इसको हम रिटेस्टिंग भी कर सकते हैं, इंट्राडे बेसिस पे मार्केट ने रिटेस्टिंग की। ओवरऑल अगर आप वीकली चार्ट के ऊपर देखते हैं तो वीकली चार्ट के ऊपर आपको ये एक मार्केट के पास मेजर जो है वो ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट नजर आता है, लेकिन मार्केट के पास ये ट्रेंड मेंटेन होने के बाद मार्केट अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर सकती है। और अगर थोड़ा सा लॉन्गर रन के अंदर हम देखते हैं कि लॉन्गर रन के अंदर मार्केट क्या करती हुई नजर आएगी, अगर इसको ये एज इट इज़ मेंटेन कर लेती है अपने इस वीकली ट्रेंड को, तो उसके अंदर हम ये देख सकते हैं कि मार्केट जो है वो अपनी एक सपोर्टिव ट्रेंड लाइन को मेंटेन करके तो वापस अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर मूव कर रही है। तो फिर जिस वक्त ये अब इन दो लाइंस को अगर हम मिलाते हैं, ये ग्रीन वाली लाइन जो है जहाँ पे सपोर्ट थी प्रीवियसली और दिस वन वाज द रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन जो कि रेड है, तो इसके अंदर हमें एक चीज़ क्लियरली नज़र आती है कि ये एक ट्रेंड ट्रायंगल टाइप बन रही थी। तो इसी लाइन को अगर हम कंटिन्यू करते हैं अपवर्ड डायरेक्शन में और इसका एक चैनल बनाते हैं तो हमारे पास ये एक चैनल ड्रा हो रहा है।
आई एम नॉट सेइंग मार्केट बहुत बुलिश है, आई एम सेइंग कि अगर मार्केट अपने आप को सस्टेन करती है अबव दिस ट्रेंड लाइन, तो मार्केट के पास आने वाले दिनों के अंदर जो नेक्स्ट टारगेट्स होंगे वो 47,500 47,700 के टारगेट्स जो है वो मार्केट अचीव कर सकती है। लेकिन उसके लिए वीकली बेसिस के ऊपर मार्केट का जो है वो 45,700 45,500 को मेंटेन करना जो है वो जरूरी है। इनिशियली इस वीक के अंदर अगर हम बात करते हैं तो जहां आज मार्केट क्लोज हुई है 46,500 46,450 पॉइंट्स जो हैं ये मार्केट के पास मेजर रेजिस्टेंट रीजन्स आएंगे जिनको मार्केट इनिशियली रेजिस्ट कर सकती है, और इस रीजन के ब्रेकआउट के बाद मार्केट के पास जो नेक्स्ट रेजिस्टेंट रीजन होगा वही 47,700 500 के रीजन से लेके 47,800 का रीजन जो है या 48,000 का रीजन जो है वो मार्केट के पास मेजर रेजिस्टेंट रीजन काउंट होएगा। उसके बाद मजीद आगे अगर हम देखते हैं कि डेली, ये तो था वीकली चार्ट का सिनेरियो, और अगर हम डेली चार्ट के ऊपर इसको देखने की कोशिश करें तो डेली चार्ट के ऊपर भी मार्केट के पास कोई मेजर नेगेटिव जो इम्पैक्ट है वो हमें नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि मार्केट ने डेली चार्ट के ऊपर भी अपना ट्रेंड जो है उसको मोमेंटम जो है उसको बुलिश किया हुआ है। पहले सबसे इस अपने वेज को पेनिट्रेट किया, ब्रेक किया अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर, और वेज को ब्रेक करने के बाद करेक्शनली रिटेस्ट किया और अपवर्ड डायरेक्शन में निकलना शुरू होगी। अब जिस वजह से मैं कह रहा हूँ, क्योंकि हमारा मकसद थोड़ा सा टेक्निकल ट्रेनिंग टाइप भी होता है, जिस वजह से मैं ये कह रहा हूँ कि मार्केट के पास इस वक्त मेजर सपोर्टिव रीजन जो है 46,700 से लेकर 500 का रीजन है वो यही है कि मार्केट ने जो अपनी ट्रायंगल कह लें या वेज कह लें जो ब्रेक की है, उसके बाद उसका नेक्स्ट टारगेट जो है उसकी रिटेस्टिंग भी 46,645 के रीजन में कंप्लीट होती है। तो आने वाले दिनों के अंदर अभी तो फिलहाल जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव ही नज़र आ रहा है, और इसको अगर हम थोड़ा सा पीछे ले जाते हैं इसी ट्रेंड लाइन को, तो जो मैंने अभी 46,000 ये देखिएगा, अब यहाँ पे कल के दिन के अंदर मार्केट ने इसको पेनेट्रेट करके ऊपर क्लोजिंग दी, इसका ब्रेकआउट दिया, और उसके बाद अभी स्टिल कंटिन्यू कर रही है। तो एज पर माई पर्सनल परसेप्शन मार्केट्स के अंदर अभी अच्छी जो है वो सेंटिमेंट्स मौजूद हैं, और वीकली चार्ट के ऊपर एक चीज़ जहाँ पे मार्केट थोड़ा सा रजिस्ट कर सकती है, जिसकी वजह से मैं 47,700 का रीजन बोल रहा हूँ, अगर हम इन दो टॉप जो प्रीवियस मार्केट के टॉप्स हैं इनको मिलाएं तो हमारे पास ये ट्रेंड लाइन भी जो है जो कि हर बार मेंटेन भी होती रही, अब काफ़ी सारे दोस्त अहबाब जो हैं उनके नज़दीक ये ट्रेंड लाइन मैंने कहाँ से खींच ली, ये थोड़ा शायद अचंभे की बात होगी, बट ये ट्रेंड लाइन फॉल करती है और हर बार मेंटेन होती रही है। अगर आप इसको देखें तो यहाँ पे इसको ब्रेक करने के बाद मार्केट ने इसको एज अ सपोर्टिव रीजन लिया, नेक्स्ट इसको एज अ रेजिस्टेंट रीजन मेंटेन करती रही है, और अगेन यहाँ पे आपके पास जो है अब दोबारा इसको एज अ रेजिस्टेंस रीजन ले सकते हैं 47,500 से लेकर 47,800 के रीजन के अंदर मार्केट के पास रेजिस्टेंस बन सकती है। आप लोगों का कोई सवाल हो किसी कंपनी के हवाले से, इवन कमोडिटी या फॉरेक्स के हवाले से भी, तो वो पोस्ट कर सकते हैं, मैं कमेंट्स में कोशिश करूंगा कि आप लोगों के इन सवालों के जो जवाब हैं वो आप लोगों को देता चलूं। तो इनिशियली 47,500 से ऊपर क्लोजिंग का मतलब ये होगा, राणा अवैस कह रहे हैं राइटर्स की एक्सेस कैसे मिल सकती है सर, पुत्र मेरे ख्याल है कोई $662 दिन मिलती है, ठीक हो गया $662 महीने दे देंगे तो फिर मिल जाती है। अच्छा, अब इसके बाद अगर हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं, अगर आपको राइटर्स नहीं है आपके पास तो आप इसको जो है वो charts.normal.net पे भी जाके अपने एनालिसिस खुद से बना सकते हैं, जिस तरह से ये जो ट्रेडिंग व्यू के चार्ट्स हैं इनको आप मेंटेन करके चला सकते हैं, उनके ऊपर भी सेम प्राइसेस इसी तरह से आपके पास शो रहेंगी, चार्ट भी आप बना सकते हैं, एनालिसिस भी कर सकते हैं उसके ऊपर। सो अब हम चलते हैं कि ओवरऑल आने वाले दिनों के अंदर हमने ये देख लिया कि 47,800 का रीजन या 47,500 का रीजन जो है वो मार्केट के पास मेजर रेजिस्टेंट रीजन होगा, और अगर उसको ब्रेक करती है तो मार्केट से कुछ बईद नहीं है कि मार्केट प्रीवियस हाई को टच करे, 53,527 का जो हाई था। लेकिन उस वक्त तक अगर मार्केट जाती है तो ये अब एक थोड़ा सा अबनॉर्मल व्यू होगा, उस वजह से कि अगर मार्केट जो है वो प्रीवियस हाई को टच करती है तो प्राइसेस जो हैं वो स्टिल 35,000 रीजन वाले रीजन के अंदर बैठी हुई हैं। सीमेंट सेक्टर को देखें, 250 का डीजी खान हाई पोस्ट करके बिलो 100 बैठा हुआ है, मैपल लीफ 135 का हाई पोस्ट करके बिलो 70 बैठा हुआ है। तो इस वजह से आने वाले दिनों के अंदर अगर हम बात करते हैं तो आने वाले दिनों के अंदर मार्केट के पास एक बहुत बड़ा रोम है कि अगर ये शेयर प्राइसेस जो है ये परफॉर्म करना शुरू कर देती है, जैसा कि मैं आपको एक व्यू दिखा देता हूं कि अगर हम कोयले की प्राइसेस के ऊपर बात करते हैं, सीमेंट बेनिफिशियरी होता है जिस वक्त कोयले की प्राइसेस जो हैं वो डाउनवर्ड आती हैं, तो अगर हम कोयले की प्राइसेस के हवाले से बात करते हैं तो कोयले की प्राइसेस जो हैं ये वीकली चार्ट है कोयले का, और इसके अंदर मार्केट में इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर कोयला जो है वो 197 का लो पोस्ट करके वापस करेक्शन लेने के लिए गया हुआ है।
हकीम साहब ने ज्वाइन किया है, हकीम सिब्बी। अच्छा इंटरेस्टिंग नेम। तो टीआरजी और टैली का पूछते हैं जी, मैं अभी उन्हीं की तरफ जाता हूं। मैं ओवरऑल सेक्टर का एक ओवरव्यू दे रहा था कि इंडेक्स के पास ऊपर बहुत बड़ा रोम मौजूद होगा। अगर यहां से प्राइसेस जो है वो पुल बैक करती हैं और प्राइसेस के अंदर एक शेयर प्राइसेस जो है ओवर डायरेक्शन में मूव करती हैं, तो अल्टीमेटली इंडेक्स को ये 60,000 प्लस भी पुश कर सकती है और वहां पे जाके मंथली के ऊपर फिफ्थ इलियट वेव भी पूरी हो जाएगी। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन एक चीज में रखिएगा, मार्केट वेव्स में जाएगी, करेक्शंस लेके अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सपेंड करती हुई जाएगी। कोई भी अबनॉर्मल बिहेवियर मार्केट में आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो इसलिए लंबी राइड्स पकड़ना सुजेस्टेड नहीं होगा। सुजेस्टेड ये होगा कि छोटी छोटी राइड्स पकड़ें, करेक्शंस को जो है वो फुलफिल होने दें और उसके बाद अगेन अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर उसको एक्सपेंड होने। हम बात कर रहे थे कोयले की, तो कोयले की प्राइसेस को अगर हम देखें तो वीकली चार्ट के ऊपर अभी वो 50% करेक्शन बिलो बैठा हुआ है। तो अगर हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो 200 एंड चल रहा है 79 के ऊपर, जिसकी करेक्शन पूरी होती है 50% वो होती है 291 में। अगर 291 से नीचे कोयले की प्राइसेस बाउंस बैक करती हैं तो इसके पास इनिशियली जो टारगेट्स होंगे वो, पहला टारगेट भाई साहब के पास ये होगा कि ये जो है मूव करना शुरू कर दें डाउनवर्ड, और इनिशियली फिर से एक बार टारगेट करें 200 का रीजन। 200 तक अगर गिरता है तो मींस $100 की प्राइस मूवमेंट के ऊपर सीमेंट को एक बड़ा बेनिफिट मिलेगा, और 200 से नीचे स्लाइड करने का मतलब ये 175, जाहिर सी बात है एक्सपेंशन में जाएगा, तो 175 तक ये मजीद डाउनवर्ड डायरेक्शन में फिर आपको जाता हुआ नजर आ सकता है। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन था टीआरजी से रिलेटेड, तो टीआरजी को हम देख लेते हैं कि जी टीआरजी हमें क्या कहता है। बल्कि हम चलते हैं अपने उन चार्ट्स के ऊपर जिनके ऊपर पहले कोई आधी पचद्दी लाइनें लगी हुई होंगी, ताकि उनके अकॉर्डिंगली हम देख के तो चल सके जी। तो टीआरजी को अगर हम देखते हैं, टीआरजी का ये हमारे पास चार्ट आ रहा है सामने। तो टीआरजी के ऊपर जो इनिशियली, इसको हम वीकली चार्ट के अंदर ले जाते हैं, ये भाई साहब जो हैं इस तरह से अपनी शक्लें बना के चल रहे हैं। एज पर माई पर्सनल परसेप्शन, एक चीज बता दूं, ये जस्ट लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से आप कह सकते हैं, या ट्रेनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, या इंफॉर्मेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियो है, तो इसलिए इसको एज ए इन्वेस्टमेंट एडवाइस बिल्कुल भी आपने काउंट नहीं करना, ना ही इसको एज ए इन्वेस्टमेंट एडवाइस जो है वो समझना है, क्योंकि हमारे एनालिसिस गलत भी हो सकते हैं और काफी दफा हो जाते होते हैं। तो इसलिए आपने अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से इसके बारे में जरूर डिस्कस करना है। अगर वीकली चार्ट के ऊपर हम देखें, आप एक चीज नोट करेंगे कि मैं हमेशा जब भी ट्रेंड लाइन लगाता हूं तो मेरी कोशिश ये होती है कि ट्रेंड लाइन को जो मैं प्लॉट कर रहा हूं तो उसका कोई एक सिरा जो है वो मुझे किसी पे मिल जाए, जिसको हम बोलते हैं डूजी के ऊपर या हैमर के ऊपर मिल जाए, और अगर वो दोनों साइड से मिल जाए तो वो एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी होती है। तो अगर हम टीआरजी को देखते हैं तो 87 पर ट्रेड हो रहा है और अपने ट्रेंड लाइन को एक डिसेंडिंग वेज जो है उसको ब्रेक करके पुल बैक करने की कोशिश कर रहा है। एज पर माई पर्सनल परसेप्शन, अगर ये वीकली क्लोजिंग दे देता है जो अपनी इस लाइन है इससे ऊपर, तो ये 111 को टारगेट कर सकता है, जहां पे इसके पास प्रीवियसली मेजर रेजिस्टेंट रीजन या सपोर्टिव रीजन भी रहता था। तो 70 ये रीजन है 77 से ऊपर वीकली क्लोजिंग का, 77 से ऊपर वीकली क्लोजिंग जो है इसको अपवर्ड डायरेक्शन में पुल कर सकती है। मीनवाइल इसका ब्रेकआउट तो चले हो ही रहा है, लेकिन उसके साथ साथ अगर हम देखें तो जो प्रीवियसली इसका मेजर सपोर्टिव रीजन था ये वाला 82-81 का रीजन जो है उससे ऊपर पुल बैक कर रहा है और उससे ऊपर गैप ओपनिंग देके गया है। तो अभी इसके अंदर एक चांस है, पूरी मार्केट में चांस है कि मार्केट करेक्शन लेके आपको एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी देगी। तो मैंने सुबह भी फेसबुक पे भी ट्विटर पे भी पोस्ट किया कि जो लोग पैनिक हो रहे हैं इस वक्त कि यार जल्दी से जल्दी हमें अपॉर्चुनिटी ले लेनी चाहिए, मार्केट मिस कर जाएगी, मार्केट में हमारी अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगी, तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि किसी भी सूरत में पैनिक ना हो, मार्केट आपको अपॉर्चुनिटी दिए बगैर नहीं जा सकती। हिस्टोरिकली जब भी देखे, जब भी मार्केट ने पुल बैक किया, जिस वक्त भी मार्केट ने एक राइड ली, एक रैली पकड़ी है, उस वक्त मार्केट हमेशा आपको एक अपॉर्चुनिटी जो है वो प्रोवाइड करके जाती है वापस अपनी करेक्शन लेने के लिए, या किसी भी वजह से मार्केट आपको एक अपॉर्चुनिटी देके जाती है। जैसे लाइक आप यहाँ पे भी देखें, जब 28,600 से मार्केट ने पुल बैक किया था, तो तब भी उसके डेढ़ डेढ़ वीक के बाद आके मार्केट ने आपको वापस करेक्शन भी ली और अपॉर्चुनिटी दी बाइंग करने के लिए। तो इसलिए इस बिहाफ पे पैनिक होना कि यार अभी हम मार्केट से फॉरन कैश कर ले तो मेरा ख्याल है वो स्टक कर देगा और उसके ऊपर फिर लोग बैठ कर कहेंगे यार जिस रेट पे मैंने लिया था वो तो रेट आ ही नहीं रहा, वो रेट मिल ही नहीं रहा, तो जाहिर सी बात है उसके ऊपर आप अगर पैनिक होंगे तो वो आपके लिए थोड़ा नुकसानदेह हो सकता है। तो टीआरजी के वाले से अगर आपको बाइंग करनी है तो 76 का आपको स्टॉप लॉस पोस्ट करना पड़ेगा,
76 के स्टॉप लॉस या 75 के स्टॉप लॉस के साथ आप इसको लेके चल सकते हैं ऑनवर्ड। 82 से जब तक ऊपर है ओवरऑल बुलिश है। टीआरजी के बाद एक और भी था टैली। अच्छा ये आजकल लोग टैली के बारे में काफी पूछ रहे हैं, वजह क्या है? वो कहते हैं ना वजह क्या है, TELE। तो वर्डी साइंस के अकॉर्डिंगली हम टैली को भी देख लेते हैं। जी अभी बता देता हूँ आपको, अभी NRL का सरफराज अली डोगर साहब ने पूछा था, जी जरूर बता देता हूँ। टेलीकार्ड ये रहा, खुल गया सिम। जी हमारे पास आ गया जी टेलीकार्ड शरीफ, सट्टे के ऊपर चल रहे हैं, चलते जाएं। ओके नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट टेलीकार्ड। तो टेलीकार्ड जो है अभी इसने अपना पहला ब्रेकआउट देना शुरू किया है, लेकिन इसके अंदर एक लाइन जो मुझे याद पड़ती है, काफी देर पहले किसी दोस्त के कहने पर मैंने लगाई थी, मैं उस लाइन को ड्रा करने की कोशिश करता हूं, अगर मुझे याद पड़ गई कि ये उससे अभी ऊपर है या नीचे है। दो चीजें मैं समटाइम्स आप देखते होंगे कि मैं ये बॉटम नहीं पकड़ रहा, उसकी लॉजिक क्या होती है, मैं इन बॉटम से इसलिए अवॉइड करता हूं, या जहां पे भी गैप ओपनिंग का कोई कंसेप्ट आ जाता है तो मैं वहां पे हमेशा लाइन को ड्रा करने से जो है वो इजतनाब करता हूं। अब मुझे लाइन अगर याद आ जाए तो मैं शायद उसको पकड़ पाऊं। जी ये लाइन है वो, बेसिकली इसकी एंटरटेनमेंट अगर आप देखें, बहुत सारे दोस्त होंगे जो कहेंगे भाई ये लाइन कहाँ से आ गई, इस लाइन को आप एंटरटेन देखें, यहाँ पे भी एंटरटेन हुई है, यहाँ पे भी एंटरटेन हुई है, और उसके बाद जब इसको ब्रेकआउट दिया है मार्केट ने तो उसके बाद इसको एज अ रेजिस्टेंस 2 वीक्स तक एंटरटेन किया है। अभी एज पर माई परसेप्शन इसके पास इनिशियल रेजिस्टेंस जो है टेलीकार्ड के पास वो 17.57 रुपए होगी। 17.57 रुपए से ऊपर ब्रेकआउट की सूरत में ये अपना ये वाला हाई टच करेगा 18.85 रुपए, 18 रुपए या 19 रुपए के पास इसको मेजर रेजिस्टेंस जो है वो फेस करनी पड़ सकती है। वहां से निकलेगा तो फिर ये इसको आप कंप्लीटली बुलिश कह सकते हो। अदरवाइज जो दो साहब आप जिन्होंने इसको इसकी राइड को मिस किया, उन्होंने बेसिकली ये वाली राइड मिस की है जो बीरस चैनल के अंदर सपोर्टिव रीजन में थी। अगर आप लोग इस सॉफ्टवेयर के साथ कंफर्टेबल नहीं है तो मैं ट्रेडिंग व्यू का जो चार्ट्स हैं, वेब बेस्ड चार्ट्स हैं, इनके ऊपर भी आप लोगों के लिए एनालिसिस बना सकता हूं। अभी अगर आप कहेंगे तो मैं उन पे चला जाऊंगा ताकि आप लोगों को भी इसकी लाइंस लगाना समझ आती, बल्कि लाइन तो सेम होती है वही लगती है, लेकिन अगर आप लोग कहेंगे तो मैं उसके ऊपर भी चला जाऊंगा। ओके अगला जो क्वेश्चन है वो हमारे पास NRL से रिलेटेड है, तो मैं अपना वो चार्ट खोल लूं जो है रिफाइनरी सेक्टर का। ओके NRL यहाँ लगा होगा कहीं ना कहीं, ATRL लगा हुआ है, चलें ATRL और NRL दोनों को इकट्ठा देख लेते हैं। PRL लगा हुआ है तो PRL को हम स्विच कर देते हैं NRL से, लगा होना चाहिए था अब क्यों नहीं है ये समझ से बाहर। जी NRL के ऊपर आ जाते हैं, इससे फायदा ये हो जाता है कि जिस वक्त दूसरे चार्ट्स खोलता हूँ तो मेरा भी रिवीजन हो जाती है, और दूसरी चीज होती है कि आप लोगों को भी एक बेनिफिट की ये लाइन इसने कहाँ से बाउंड्री मारी हुई है वो देखने का आपके पास एक अच्छा अपॉर्चुनिटी आ जाती है। जाहिर सी बात है माशाल्लाह आप सब लोग टेक्निकल एनालिस्ट हैं, अपनी लाइंस खुद लगाना जानते हैं, तो जाहिर सी बात है ये मुझे जान के बहुत खुशी हो रही है कि हमारी फील्ड के अंदर माशाल्लाह से फीमेल्स की जो क्वांटिटी है वो बढ़ना शुरू हो गई, और ये खुशायंद बात है क्योंकि जो फीमेल्स होती हैं इनका बेसिकली क्रिएटिव माइंड जो है वो मर्दों की नस्बत ज़्यादा चलता है, मर्दों का खड़ूस साइड्स पे ज़ेहन ज़्यादा चलता है। तो एज पर माई पर्सनल परसेप्शन NRL जो है ये ना सिर्फ, अच्छा बड़ी मजे की चीज़ आपको बताऊं, पिछले 2 वीक से मैं एक चीज़ देख रहा हूं कि मार्केट में पॉलिटिकल सिनेरियो डिफरेंट था, मार्केट जो है वो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी फेस कर रही थी, लेकिन उसके बावजूद बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो 2 वीक्स अगो जिस वक्त ये सारी चीज़ें हो रही थी, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ रहा था, तो काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो अपने ब्रेकआउट क्रिएट कर रही थी। तो इसके अंदर भी अगर आप देखते हैं तो NRL ने भी अपना ब्रेकआउट क्रिएट किया वीकली चार्ट के ऊपर डिसेंडिंग वेज का। एक चीज आपको बता दूं, मेरा एक स्टूडेंट होता था राणा, वैसे भी आया था ये जानता है उसको, आज से वो कहता था सर जब वेज फटती है तो डैश 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 होता है, तो इसलिए जिस वक्त डिसेंडिंग वेज जो है, क्योंकि ना होता क्या है बेसिकली अगर डिसेंडिंग वेज है तो उसके 80% चांसेस होते हैं अपवर्ड डायरेक्शन में ब्रेकआउट देने के, और अगर असेंडिंग वेज है तो उसके चांसेस होते हैं 80% ऑफ टाइम्स डाउनवर्ड ब्रेकआउट होने के। वेज की निशानी ट्रायंगल और वेज के दरमियान डिफरेंस ये होता है कि ट्रायंगल के अंदर एक असेंडिंग लाइन होती है और एक डिसेंडिंग लाइन होती है, लेकिन जो वेज है उसके अंदर दोनों या तो असेंडिंग लाइंस होती है या डिसेंडिंग लाइंस होती हैं, दोनों लाइंस का मुंह तरफ नीचे या ऊपर की तरफ होता है। तो ये अब डिसेंडिंग वेज है, 80% ऑफ टाइम चांसेस ये थे ऊपर ब्रेक होगी अपवर्ड, डिसेंडिंग वेज अपवर्ड डायरेक्शन में ब्रेक हुई है, तो आने वाले दिनों के अंदर इसमें रैली एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं विद पैसेज ऑफ टाइम और करेक्शन के साथ। इनिशियली अपनी जो पहला रेजिस्टेंस रीजन था 228 का उसको ब्रेक कर चुका है, तो मेरे ख्याल के मुताबिक आने वाले दिनों के अंदर इसके पास जो नेक्स्ट टारगेट होएगा वो 3000, ये तो बहुत लंबा टारगेट है, 320 रुपए और
314 रुपए, 300 रुपए तक जो है ये आने वाले दिनों के अंदर पुल बैक कर सकता है। तो एज पर माई पर्सनल परसेप्शन ये हो सकता है, लेकिन अगर आप इसके अंदर एंट्री लेते हैं तो आपको बस स्टॉप लॉस जो है वो 201 रुपए पे अपना मस्ट रखना पड़ेगा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, और ऑन लॉन्गर रन एक अच्छी राइड दे सकता है। आप इसका डेली चार्ट देख लेते हैं, क्योंकि हमारे साथ वो लोग भी हैं जो छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, जो छोटे छोटे एंट्रीज लेते हैं, तो उन दोस्त साहब आपके लिए इस लाइन को पकड़ के हम थोड़ा सा मजीद सीधा कर देते हैं, क्योंकि लाइनें सीधी करेंगे हमारे दोस्त हैं वो कहते हैं ये लाइन करोड़ों की है, एक एक लाइन जो है वो करोड़ों की है। किसी दिन आपकी जो है मुलाकात उनसे भी करवाएंगे। अच्छा, डेली के ऊपर जब जाएंगे तो ये लाइंस हमें एडजस्ट करनी पड़ेंगी। जी, डेली के ऊपर जब आते हैं, वीकली के ऊपर हमारी लाइन जो है वो इस टॉप को मैच कर रही थी, डेली के ऊपर आते हैं तो ये अच्छा, वीडियो शेयर करने से स्वभाव ही मिलता है वैसे, ताकि दूसरे लोग भी आ सके और मुझे भी मजा आए कि मैं बोल रहा हूँ तो क्वेश्चन आ रहे हैं। तो एज पर माई पर्सनल परसेप्शन, अगर जो डेली चार्ट के ऊपर ट्रेडर्स हैं वो 224 के रीजन के अंदर से जब ये वापस आता है तो उसके अंदर बाइंग कर सकते हैं, और फिर आपने जो स्टॉप लॉस रखना होगा जब आप 224 के ऊपर इसको बाय कर रहे होंगे तो इसका शटाप ये रहा शटाप, तो आपको 208-209 रुपए का स्टॉप लॉस रख के 224-25 के रीजन में बाइंग कर सकते हैं। अगर आपकी एग्जिस्टिंग होल्डिंग है तो इसको लेके चलें, आपको मजा आएगा और ये अच्छे दिन आने वाले हैं इसके भी। ओके, उसके बाद हम आ जाते हैं अटक रिफाइनरी पे। मैं वीकली चार्ट के ऊपर पहले इसलिए एनालाइज करने की कोशिश करता हूँ क्योंकि वीकली चार्ट जो है वो ट्रेंड सेट कर रहा होता है, आपके जो मार्केट सेंटिमेंट है उसको सेट कर रहा होता है। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं इस भाई साहब के ऊपर, ATRL के ऊपर नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, और उसके बाद हम जाएंगे जहां नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वहां। चार्ट शेयर करने का मकसद सिर्फ ये होता है कि मेरी बूथी देख के आप लोगों को फायदा कोई नहीं होना, तो चार्ट के ऊपर कम से कम लाइंस जो हैं वेरी शुड एंटर इनटू करंट वेट फॉर करेक्शन इन अदर, मेरा ख्याल है थोड़ा सब्र करें। वो कहते हैं ना तत्तियां खा दे मुंह सड़ता है, तो अगर अभी जल्दी से जाएंगे तो फिर नुकसान दे साबित हो सकता है। ओके जी, ATRL के ऊपर अगर आप लाइंस अपने ड्रा करते हैं तो उसके अंदर अगेन ये भी ब्रेकआउट दे चुका हुआ है, तो मेरा ख्याल ये है कि थोड़ा करेक्शन लेने आता है तो इसको बाय किया जा सकता है, और 134-135 का शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉप लॉस होगा। जी, मैं आहिस्ता आहिस्ता अगले सवाल की तरफ आ रहा हूँ। शाह साहब पूछ रहे हैं कि जी GHNI का क्या बनना है, मैं ज़रूर कोशिश करता हूँ उसके ऊपर भी डिस्कशन जो है वो हो जाए। ओके, सो ATRL साहब जो हैं इतों को भड़िए डूजी मूजी, ये डूजी मिल गई और ये भी डूजी मिल गई। अच्छा, इसके अंदर इसको मिला दें ऐसे, और जो अनकंफर्टेबल हैं वो इसको ऐसे भी मिला सकते हैं। ठीक है, ओके, एज पर माई पर्सनल परसेप्शन ATRL जो रैली पकड़ रहा है करेक्शंस के साथ चलते हुए, आने वाले दिनों के अंदर इसको इनिशियल रेजिस्टेंस जो है वो 163, तो इसका रेजिस्टेंस रीजन ही कोई नहीं होता होता, इसलिए हमें थोड़ा नीचे ऊपर देखना पड़ेगा। हाँ, 157 के ऊपर 157 जो है इसके इनिशियल रेजिस्टेंस रीजन होगा। जब लाइंस लगा रहे होते हैं तो सिर्फ लाइंस के ऊपर नहीं ट्रस्ट किया करें, एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये होती है कि प्रीवियस साइकोलॉजिकल बैरियर कहाँ था इसका, उन साइकोलॉजिकल बैरियर के ऊपर जो है वो फोकस किया करें। तो साइकोलॉजिकल बैरियर के ऊपर जब आप फोकस करेंगे तो आपके पास नेक्स्ट चांसेस जो हैं वो आपके ट्रेड के एक्यूरेसी के ज्यादा होंगे। ओके, तो ओवरऑल 157 को ब्रेक करता है तो उसके पास नेक्स्ट टारगेट 168 एंड देन 187 का रीजन जो है ये टारगेट कर सकता है। उसके बाद हमारे पास सवाल था ATRL NRL के बाद था सिस्टम्स। अच्छा भाई, सिस्टम्स कहीं लगा हुआ है, मैं ढूंढूं कहाँ लगा हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ें किस कौन सी प्रोफाइल में, इस प्रोफाइल में इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ें नहीं है, तो नेक्स्ट पे चलते हैं, इसमें फिर होंगी। ये रहा, 6 बंदों के लिए पूरी वीडियो, वाओ, मतलब 6-7 लोग ही हैं ना जो व्यू कर रहे हैं, शेयर करना नहीं है, गुनाह होता है। ओके, डेली चार्ट, चलो पुट्ठी शायद फाड़ ली है। डेली चार्ट के ऊपर अगर हम सिस्टम्स को देखते हैं तो ये भाई साहब भी अपना ब्रेकआउट देके निकल चुके हुए हैं, बट लेस लिक्विड आइटम है तो इसलिए मैं इसके अंदर रिकमेंड नहीं करता, बजाय इसके किसी और आइटम में इधर जिन वॉल्यूम्स लगते हैं वेव्स और उसके अंदर अपना थोड़ा सा अपॉर्चुनिटी ढूंढने की कोशिश कर लिया करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अच्छा जी, अब ये जो मुझे कॉल आ रही है इसको मैं करूँ ड्रॉप। हाँ, कर दी मैंने ड्रॉप। ओके, सो अगर हम इसको देखते हैं ये चीज़ मेरे अजीज़, तो गैप ओपनिंग के साथ
आया, अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, और अगर इस लाइन को थोड़ा सा एडजस्ट करें यहाँ पे, नहीं यहाँ पे नहीं हो सकती एडजस्ट, और अगर इसको यहाँ करते हैं क्योंकि इस टॉप को मैं इसलिए इग्नोर कर रहा हूँ, मैं थोड़ा सा आप लोगों को लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से बता दूँ, इस टॉप पे लगाने से मैंने इग्नोर इसलिए किया है कि यहाँ से ये गैप ओपनिंग आई हुई है, तो गैप ओपनिंग वाली कैंडल जो है इसके ऊपर चीट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, तो ये इसको मेजर रेजिस्टेंस के तौर पे एज ए लाइन को लेगा इस लाइन को, तो अच्छी चीज है, आने वाले दिनों के अंदर परफॉर्म कर सकता है, प्रीवियस हाई को ब्रेक कर रहा है और कर सकता है आने वाले दिनों के अंदर। तो एज पर माई पर्सनल परसेप्शन 416 से ऊपर निकला तो ये एक लंबी राइड पकड़ेगा, और उस लंबी राइड के लिए फिर आपको प्रीवियस सपोर्टिव रीजन को एज अ रेजिस्टेंट वंस जो है वो कंसिडर करना पड़ेगा। तो 416 के पास इसके पास मेजर रेजिस्टेंट रीजंस ऑटोमेटिकली आके फॉल कर रहे हैं, ये वाली जगह है 416 से लेके 429 के बीच में, 428 429 के बीच में इसके पास मेजर रेजिस्टेंस रीजन जो है वो रेजिस्टेंट रीजन जो है वो फॉल कर रहे हैं। वैसे टेक्निकली चलता है, जहां से भी लाइन लगाएं वो पकड़ें तो उसको वहीं पे लाके बिठाती है, तो 416 से 425 के बीच, और अब 420 को ब्रेक करता है तो 429 जो है वो टारगेट रिसीव कर लेगा। ओके सो द नेक्स्ट वन जो हमारे पास सवाल था वो क्या था टीआरजी ऑलरेडी हो चुका है, आप वीडियो को देख सकते हैं वापस, मेरा ख्याल है करेक्शन का वेट करें तो आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, आप किस बिहाफ पे मिलेगी, न्यूज़ का वेट करें कि खान साहब की रैलियों की वजह से लोग थोड़ा शेकी होते हैं, या जो नई गवर्नमेंट है ये कोई बिजनेसमैन के ऊपर कोई टैक्सेस इंप्लांट करती है तो उसकी वजह से कोई नेगेटिव न्यूज़ आएगी जो करेक्शन का बायस बनेगी, और करेक्शन के बाद फिर मार्केट स्मूथली अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर चलना शुरू कर देगी। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है जी GHNI का, जी GHNI को देख लेते हैं, GHNI ये मेरे पास लगा हुआ नहीं है तो इसको यहाँ लगाते हैं, GHNI खुल जाओ जिम जिम। सो गाइस आ गए हम इसके ऊपर, ये हमारे पास आ गया GHNI। ओके तो इसका पहली शक्ल में तो जो नजर आ रहा है वो आ रहा है रेजिस्टेंट रीजन निकालना, क्योंकि पहले सपोर्ट के बजाय इसकी शक्ल क्योंकि रेजिस्टेंस वाली ज़्यादा अहम बन रही है तो उसको लगा लेते हैं। एक ये लाइन लग गई भाई साहब के पास, और उसके बाद इसी की एक कॉपी बना लेते हैं लाइन की, और इसको यहाँ से पकड़ के ये रख देते हैं, चीट पैटर्न करके गया हुआ है क्योंकि ये क्लोजिंग इससे नीचे दे गया हुआ है तो इसलिए इसको चीट पैटर्न कहेंगे। मज़ा तो नहीं आ रहा होगा ना कि तू टकाटक मिलने के बजाय वर्किंग करनी पड़ रही है ना। ओके एज पर माई परसेप्शन क्योंकि ये अपनी वेज का ब्रेकआउट दे चुका हुआ है तो 164 से जब तक ऊपर है ये बुलिश है। टारगेट्स वाली साइड पे जाएं कि टारगेट जो है भाई साहब क्या कर सकते हैं अपना टारगेट प्रीवियसली ये वाला बॉटम इसने ज़्यादा मेंटेन किया हुआ है इंस्टेड ऑफ अदर्स, तो 204 इनिशियल रेजिस्टेंस होगा, 204 से ऊपर निकलता है तो फिर नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो है इसके पास ये वाला बॉटम नहीं बल्कि ये वाली बॉडी कैंडल्स बनेगी, तो जो कि बनेगा 223, 204 और 223 के टारगेट्स अचीव कर सकता है, बट बाइंग ऑन डिप इज रिकमेंडेड, करेक्शंस के बाद बाइंग होगी तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। यार और किसी के पास कोई सवाल नहीं है भाई, अच्छी बात है। मेरी बहन आपको पता है पाकिस्तान में फतवे बड़े लगते हैं कि लोग मर्दों के जवाब नहीं देता और फलां ये है फलां वो है, तो इसलिए मैं ये चाह रहा हूँ कि बीच में कोई मर्द हज़रात भी जो है वो अपना क्वेश्चन कर लें ताकि उनको भी जवाब जो है वो हम देते रहें। सो OGDC के हवाले से मेरा लास्ट टाइम जो ओपिनियन था वो आज भी वही है, और यहाँ पे OGDC होगा। एज पर माई पर्सनल परसेप्शन OGDC के पास एक लंबी राइड है टूवर्ड्स ये वाला रीजन, दैट इज 117, और अगर आपको बाइंग करनी है, अच्छा OGDC के अंदर बाइंग जो है ना वो थोड़ी करके बाइंग होगी, तो एज पर माई पर्सनल परसेप्शन बड़ी साहब ने ज्वाइन किया, बड़ी साहब सलाम अलैकुम के आलम ठीक हो, तो एज पर माई पर्सनल परसेप्शन ब्रेकआउट उसने दिया, रिटेस्टिंग भी कर चुका हुआ इसके अंदर, अगर आप यहाँ से भी बाइंग करना शुरू कर देंगे और छोटे छोटे चंक्स में बॉटम की तरफ बाइंग करते चले जाएंगे तो कोई मसला नहीं होगा, अच्छी राइड ही आपको मिलेगी। ओवरऑल मैं अगले अगर 1 से 1.5 साल का टारगेट इसका निकालूं तो मुझे लगता ही है कि भाई साहब 150 तक भी निकल सकते हैं। लॉजिक ये है कि जितना मोमेंटम इसके अंदर बना हुआ है उतना PPL के अंदर नहीं है, PPL के अंदर कुछ फंड्स की तरफ से सेलिंग भी शायद आई है और वो चीज़ जो है वो उसके लिए मैं इसको मंथली चार्ट के ऊपर ले गया हूँ ताकि आपको लॉन्गर रन के अंदर बता सकूँ। तो लॉन्गर रन के अंदर अगर हम देखते हैं, मेरा ख्याल ये है कि इसको 65-67 तक, मतलब यहाँ से बाइंग करना शुरू करें 65-67 तक बाय करते जाएं, मैं इसको इस बॉटम पर रखता हूँ
ठीक हो गया जी। और इसके बाद आप इसको 65, 66, 67 तक बाय करते रहेंगे तो आपको आने वाले दिनों के अंदर जो है वो अच्छा चांस मिल जाएगा। टीपीएल आई दिन में भी किसी दोस्त ने पूछा था, मैं अभी टीपीएल के बारे में भी बता देता हूँ आपको। तो एज पर माई पर्सनल परसेप्शन ओजीडीसी के पास चार्म बहुत बड़ा है, और उसकी लॉजिक बता दूँ, इसी लाइन को कॉपी करते हैं और इसकी सेटिंग बना लेते हैं बजाय नई नई लाइनें ढूंढने के। इसको अगर यहाँ लेके आता हूँ है तो गैप ओपनिंग वाली कैंडल, तो इसलिए नहीं चलेगी, इसलिए इसको यहाँ लेके जाना पड़ेगा। इसकी सारी गैप ओपनिंग वाली हैं तो क्या करूँ मैं इसका, नहीं इसके ऊपर गैप गैप गैप, इसके ऊपर गैप, इसके ऊपर गैप नहीं। ओके, एज पर माई पर्सनल फाइंडिंग्स मेरा ख्याल ये है कि 120-22 जो है वो अगले 4-6 महीनों के अंदर ओजीडीसी आपको आसानी से दे देगा। उसके बाद आपने पूछा है टीपीएल कहीं लगा हुआ था, कहाँ लगा हुआ है, मेरे ख्याल में यहाँ लगा हुआ था टीपीएल। मैं इसलिए कि लाइनें दोबारा ना लगानी पड़े जी। टीपीएल के हवाले से अगर देखा जाए तो टीपीएल साहब जो है वो वीकली चार्ट के ऊपर वही शक्ल जो बाकियों की है वही शक्ल इसकी भी है। और एज पर माई पर्सनल परसेप्शन जब तक ये 11 रुपए 70 पैसे से ऊपर है इट्स बुलिश, ठीक है। वीकली क्लोजिंग अगर, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यह है कि अगर ये वीकली क्लोजिंग 12 रुपए से ऊपर दे देता है तो फिर थोड़ी मोमेंटम जो है वो तेज़ हो जाएगा इसका, और 15 रुपए 87 पैसे इनिशियल रेजिस्टेंस होगी इसके पास। 15 रुपए 87 पैसे तोड़ता है तो 18 रुपए 20 पैसे तक भी टारगेट कर सकता है। किसी और दोस्त का कोई सवाल है तो पूछ लें, उसके बाद मैं तब तक कमोडिटीज़ के चार्ट खोलूँ, पता नहीं है मेरे पास हैं भी कि नहीं हैं। गोल्ड सिल्वर क्रूड को भी डिस्कस कर लेते हैं। क्रूड ऑयल के अंदर जो है GGL का पूछ रहे हैं आप, GGL, अच्छा ये बड़ी आजकल हॉट आइटम्स बनी हुई हैं GGL, GGL, काफ़ी सारे दोस्त पूछते हैं और मैं इधर उधर होके गुजर जाता हूँ तो मुझे नहीं पता। अब ये मुझे नहीं पता इसका नाम देख लेगा, गनी ग्लोबल होल्डिंग्स ही है अगर GGL तो फिर मैं इसको खोल रहा हूँ, अगर ना हो तो फिर नाम लिख दीजिएगा नीचे। ओके जी, ये इसके ऊपर भी वर्किंग की हुई है ऑलरेडी आई थिंक सो। पहली चीज़ तो ये है कि 18 रुपये में जो सपोर्टिव रीजन है, अब की बार अब जब नीचे आता है तो 18 रुपये के रीजन में, 18 रुपये 20 पैसे के रीजन के अंदर इसकी बाइंग हो सकती है। और इनिशियल अगर रेजिस्टेंट रीजन की बात करूँ तो पहुँचा खड़ा है रेजिस्टेंस पे, 20 रुपये से ऊपर क्लोज करता है तो फिर मोमेंटम जो है वो मजीद आगे चलना शुरू हो जाएगा। उसकी लॉजिक ये है, अगर आप इसको यहाँ से देखें तो ये मेरे ख्याल में 61.8% करेक्शन है। मैं लगा के भी दिखा देता हूँ ताकि आपको ये ना लगे कि तुक्के ही मारता रहता है। चार्ट को देख देख के अब आदत सी हो गई है कि चार्ट को देखते ही पता चल जाए जी। 61.8% करेक्शन है और उसकी अगर इसने एक्सपेंशन पूरी कर ली है जो कि कर ली होगी, तो उसमें एक चांस ये होता है कि ये एक्सपेंशन की अब करेक्शन ना ले रहा हो। यहाँ से पकड़ा, यहाँ रखा, यहाँ से पकड़ा, यहाँ रखा जी। तो ओवरऑल ये अपनी 100% करेक्शन मान रहा है, 50% के करीब जो है अपनी एक्सपेंशन पूरी करके वापस जा रहा है। तो इनिशियली इसके पास 20 रुपये और 22 रुपये 22.5 रुपये जो है वो मेजर रेजिस्टेंट रीजन है। 22.5 से ऊपर निकलेगा तो फिर ये बुलिश हो जाएगा। 20-22 क्यों बोल रहा हूँ, उसकी वजह ये है कि जो इसने ये अभी एक्सपेंशन ली है इसका 38% जो है वो बेसिकली 22.59 रुपये बनता है, उसके बाद 25.68 रुपये पे इसकी 50% करेक्शन भी पूरी होती है। तो एज पर माई पर्सनल फाइंडिंग्स वहाँ पे जाके भाई साहब को थोड़ी बहुत जो है वो रेजिस्टेंट रीजन फेस करने पड़ सकते हैं। और अगर वीडियो रुक रुक के चल रही है तो फिर भी बता दीजिएगा। अच्छा, टीपीएल की बात तो हो गई, अब चले हम बात कर लेते हैं कमोडिटीज़ की। तो क्रूड ऑयल के बारे में सुबह भी मैंने अपना एक ऐसे ऐसे ही जो है वो शेयर किया था। तो एज पर माई पर्सनल परसेप्शन क्रूड ऑयल साहब जो है ना ये डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर अपना मोमेंटम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और वो मोमेंटम किस वजह से बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आप इसको वीकली डेली चार्ट्स के ऊपर, चले डेली लगा लेते हैं, वीकली को क्या करना है हमने, डेली चार्ट के ऊपर अगर हम इसको देखते हैं तो ये अपनी मेजर लाइंस जो हैं उनका ब्रेकआउट दे चुका हुआ है, ठीक है। और उसके बाद उनकी रिटेस्टिंग कर करा के, उनके साथ थोड़ी सी मगजमारी कर करा के, तो ये भाई साहब कंटिन्यूटी पैटर्न बना, बल्कि मेरे पास यहाँ लगा हुआ है ना तो यहीं से खोल लेते हैं, यहाँ लाइनें भी लगी हुई हैं ताकि जल्दी जल्दी समझ आ जाएगी जी। तो एज पर माई पर्सनल फाइंडिंग्स ये इसके पास प्रीवियसली सपोर्टिव रीजन था, ठीक है, और इस सपोर्टिव रीजन को ये वापस रिटेस्ट करने के लिए गया हुआ है। अगर ये वापस ब्रेकआउट नहीं देता 99 से ऊपर तो इसका मतलब ये है कि ये इसी चैनल के अंदर कंटिन्यू करेगा और अपनी 61.8% जो इसकी एक्सपेंशन है उसको फिर ये आगे कंटिन्यूटी पैटर्न में लेके चला जाएगा। तो ये चैनल जो है ये आपको डाउनवर्ड डायरेक्शन में मेंटेन होता नजर आएगा। तो जाहिर सी बात है अगर इंटरनेशनल मार्केट में तेल सस्ता होता है तो उसकी वजह से सीमेंट सेक्टर को कोयले की भी बेनिफिट मिल जाएगा और आपका तेल का बेनिफिट भी मिल जाएगा, तो उस वजह से आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी
जीजीएल टारगेट इन शॉर्ट टर्म 18-20-22 देन 25-68, दैट्स ऑल जीजीएल के, यही है ना? हाँ यही है। तो ओवरऑल ये टारगेट्स कब हैं, अगर ये 18 रुपए से ऊपर ऊपर मेंटेन्स करने में सक्सेसफुल होता है तो 22.59 रुपए पहला टारगेट है। ओवरऑल जो मेजर रेजिस्टेंस की इसके पास बात करूं तो 27.73 रुपए भाई साहब के पास मेजर रेजिस्टेंस है। आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए इसको मंथली में कन्वर्ट करता हूं। यस ओह तेरा भला हो जाए, तो तगड़ी फॉर्मेशन बना रहा है। 22.59 रुपए मेजर रेजिस्टेंस है इसके पास, और वडी साइंस के अकॉर्डिंगली थोड़ा लाइटर नोट पर रहना चाहिए ना, लाइटर मूड में रहना चाहिए। तो लेकिन अभी मंथ एंड बहुत दूर है, लेकिन शक्ल ऐसी बना रहा है, अगर ये मंथ क्लोज करता है 21 रुपए से ऊपर ऊपर तो आने वाले दिनों के अंदर टारगेट जो है वो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। GHNL का बता दे, मैंने बता नहीं दिया अभी, GHNL नहीं बताया, चलो मैं ढूंढने की कोशिश करता हूँ। पहले GHNI बताया मेरे ख्याल में, GHNL नाम क्या होगा आप खुद देख लीजिएगा। गंदारा निशान लिमिटेड, ये तो नहीं हो सकता, ये तो इसका कोई फ्यूचर है, ये गंदारा निशान, ये रहा। ओके जी, गंदारा निशान आदल महबूब आदल हुसैन, आदल भाई कैसे हैं, ठीक है ना? ओके जी, ये तो रहा इसका मंथली, उत्ते रहा बड़ा दर 1 2 3 4, ये कितने चल रहा है, थले उत्ते, चले देख लेते हैं इसको। अच्छा, अब हम इसके हवाले से अगर हम बात करते हैं तो GHNL जो है यो पकड़ी यो रखी। वैसे लाइनें कितनी मज़े की चीज़ होती है, एक लैपटॉप पे बैठो लाइनें लगाते रहो, न्यूज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, फाइनेंशियल्स पढ़ने की ज़रूरत है और बहुत सारी चीज़ें ना करने की ज़रूरत है, सोशल मीडिया फॉलो करने की ज़रूरत नहीं होती, आप खुद से अपनी बड़ी सांस लड़ा सकते हैं। यार जो इसने मंथली में मुझे शक्ल दिखाई है ना, उसकी वजह से मैं इससे थोड़ा सा शेकी हुआ हूँ कि ये क्यों इस तरह की इसने मंथली के ऊपर शक्ल बनाई हुई थी जो कि एक अग्रेसिव फॉर्मेशन थी। बहरहाल वो किसी और का हेडेक होगा, हम अपनी लाइनें खींचते हैं और लाइनों के हिसाब से इसको कोट कर देते हैं जो हमें लाइनें दिखा रही हैं। बहुत शुक्रिया आदल भाई, थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू। आदल बेसिकली मेरा 2009-10 से दोस्त है, बड़ा अच्छा माशाल्लाह से, और 9-10 की बात है ना, 9-10 की बात है तब से लेके। ओके, एज पर मैं अब ये क्योंकि ब्रेकआउट दे चुका है, लेकिन इसके पास आगे जो रेजिस्टेंस आ रही है GHNL के पास, क्योंकि मैं वर्किंग घर से नहीं करके आता तो इसलिए मुझे वो रट्टा नहीं मारा बहुत, इसलिए शेयरों को देखना पड़ता है। शेयर्स को देखते हुए एज पर माय पर्सनल परसेप्शन 87 से 88 के दरमियान इसके पास मेजर रेजिस्टेंस है, उससे ऊपर निकलेगा तो फिर बेसिकली आप कह सकते हो कि 83 से 87 मेजर रेजिस्टेंस रीजन्स हैं, उनसे निकलेगा तो फिर ये ऑनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर सकता है। वजह ये है कि 1 2 3 4 5 और ABC इथे गई सी, ये जो मंथली शक्ल है ना इसकी, ये बहुत मुझे डरा रही है टू सम एक्सटेंट, जिस वजह से मैं इसके ऊपर कोई खुल के कमेंट नहीं कर सकता, इसलिए मैं यही कहूंगा कि और उसके बाद और कुछ है किसी का, बाटा है? नहीं बाटा तो नहीं, बता दें। अच्छा ओके, एनीवन अदर जो जिसके पास सवाल हो, उसके बाद चलते हैं क्रूड ऑयल शरीफ पे। जी क्रूड ऑयल शरीफ के ऊपर, बल्कि ये चार्ट हमारे पास खुला हुआ ही था ना यार, उधर हम बार बार क्यों जाते हैं, ये रहा, ये इसका चैनल होगा जो डाउनवर्ड अपना कंटिन्यू करेगा। गोल्ड शरीफ को देख लेते हैं इंट्राडे बेसिस के ऊपर, तेरी खैर बड़ी साइंस, मुद्दत बाद मैंने आज गोल्ड का चार्ट देखा, लिटरली अप्रॉक्सीमेटली इट्स मोर देन 3 or 4 months, क्योंकि मैं कुछ जो ऑपरेशनल चीज़ें थी उनको देख रहा था, तो इस वजह से मैं रिसर्च साइड से जो है वो आउट था, लेकिन स्टॉक को तो हम देखते ही रहते हैं, बहर फॉरेक्स वाली साइड जो है वो बिल्कुल ही, कमोडिटी साइड जो है बिल्कुल इग्नोर थी, तो उस वजह से उसको नहीं देख पाया। ओके, ये चीज़ लग गई और उसके बाद यहाँ से पकड़ा और यहाँ फेंका। अच्छा, गोल्ड पुल इंट्राडे बेसिस पे तो पुल बैक करता हुआ नज़र आ रहा है, अगर आपको इसको बाय करना है तो शटॉप लॉस जो आपने रखना है वो रखना है 1947 का, 1947 कर लें या 40 कर 47 वो पाकिस्तान बनने वाला ना, 1945 हाँ 47 का स्टॉप लॉस रख के इसके अंदर एंट्री ली जा सकती है 1947 के स्टॉप लॉस के साथ।
अच्छा, मैं इसका ऑलरेडी बता चुका हूँ, जो है क्या नाम है इसका, GHNI का। आप वीडियो वापस देख लीजिएगा तो आपको उसका आइडिया हो जाएगा। और आपको मैं बता देता हूँ, जो आपने दूसरी आइटम पूछी है, वेव्स, वेव्स यहाँ पे कहीं लगा हुआ है हमारे पास। वेव्स पिछले दिनों में बहुत अट्रैक्टिव था, और कहते हैं लिटरली रश कर रहा था मुझे इसके ऊपर कि यार इसको देख देख के इतनी अच्छी अच्छी वाली चीज़ें हो रही हैं, तो इसके अंदर क्यों ना जाया जाए। अभी खुल जा, कहाँ गया, यहाँ लगा होगा ना कहीं, ये सिस्टम्स है, ये वहाँ, ये रहा वेव्स। ओके जी, ये वेव्स का डेली चार्ट है, ये वेव्स का वीकली चार्ट है, और वीकली चार्ट के ऊपर हम इसको देख लेते हैं। अच्छा, मेरे मोबाइल पे जब वीडियो आ रही है तो रुक रुक के आ रही है ये, या आप लोगों के पास भी ऐसे रुक रुक के आ रही है और मैं ही सर खपाया जा रहा हूँ। इसको पकड़ा यहाँ से, इधर रखा, इस भाई साहब को पकड़ा, ये तो गैप ओपनिंग वाली कैंडल थी, इसके ऊपर रख दिया। अच्छा, यहाँ से नहीं बात बनी, ये एज ए रेजिस्टेंस ले लिया इसको। एज पर मैं पर्सनल परसेप्शन, वेव साहब के पास 18 रुपये 34 पैसे से लेके नीचे क्या रीजन है ये वाला, इसको पकड़ लेते हैं यहाँ से। मतलब वही 18 रुपये 34, 17 रुपये 70 पैसे से लेकर 18 रुपये 34 पैसे तक मेजर रेजिस्टेंसेज हैं। इनको ब्रेक करेगा तो ये आगे 21 रुपये तक मूव कर सकता है। लॉजिक इसकी भी वही है कि डेली पे देखो, वीकली पे देखो, जहाँ भी देखो वही चीज़ नज़र आती है। मैं हर बार गलत लाइन क्यों पकड़ लेता हूँ, मुझे ये नहीं समझ आती है। और दूसरी चीज़ आप लोगों को बताता चलूँ कि अगर आप हमसे कोई भी सवाल करना चाहते हैं जब मैं शो नहीं कर रहा था, तो उसके लिए nurmai.net विजिट करें। वहाँ पे ट्रेड फोरम के नाम के एक मेन्यू है, उसको सेलेक्ट, उस पर क्लिक करके पोस्ट अ क्वेश्चन पे जाके आप क्वेश्चन कर सकते हैं वहाँ। ओके, ये भाई साहब भी ब्रेकआउट कर चुके हैं अपने डिसेंडिंग वेज शरीफ का, और उस वेज शरीफ की जो कन्फर्मेशन है, मैं इसी लाइन को कॉपी कर लेता हूँ, आ जा नीचे, और इसकी फिर सेटिंग बिठाता हूँ। तू यहाँ लग जा और तू यहाँ लग जा जी। तो ये सबने डिसेंडिंग वेज का ब्रेकआउट कर चुका हुआ है, तो 18 रुपये तक पुल बैक कर सकता है। बट ये जेन रखेगा, 17 रुपये 70 पैसे से लेकर 18 रुपये के दरमियान आपने इसके ऊपर बहुत कॉशियसली ट्रेड करना है, अदरवाइज जो है वो नुकसान होने के चांसेस हो सकते हैं। कोई और सवाल मेरा ख्याल है नहीं रह गया, तो अब छुट्टी मारते हैं। अगर मेरी बातों की वजह से किसी की दिलदारी हुई हो, मैंने कोई गलत एनालिसिस दिया हो, तो इट वॉज माई फाइंडिंग, उसके ऊपर मैं माजरत खा हूँ। बाकी एनी टाइम कोई भी क्वेश्चन पोस्ट करना हो, तो उसका सिंपल सा वे ये है, nurmai.net विजिट करें, और वहाँ पे ट्रेड फोरम के अंदर आस्क क्वेश्चन की ऑप्शन है, वो आपको तब नजर आएगी जब आप अपना अकाउंट क्रिएट कर लेंगे। अकाउंट वहाँ पे क्रिएट करें, मुफ्त में है, अकाउंट क्रिएट करके क्वेश्चन पोस्ट करें, आपको 20-25 मिनट्स के अंदर उसका रिप्लाई जो वहीं पर पोस्ट कर दिया जाएगा, विद चार्ट एंड विद प्रॉपर टेक्निकल एनालिसिस, विद डिस्क्लेमर के ये हमारी फाइंडिंग्स हैं जो कि किसी भी वक्त गलत हो सकती हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।